खुशी उठा के, जीने खुशी उठा के, ओ जीने खुशी उठा के, जीने खुशी उठा के। काबिल हमें बनाया, काबिल हमें बनाया, ओ जीने खुशी उठा के, जीने खुशी उठा के। काबिल हमें बनाया, काबिल हमें बनाया, मायूस हो रहे थे आकर हमें जगाया, मायूस हो रहे थे आकर हमें जगाया। हम धन्य हो गए हैं, हम धन्य हो गए हैं, हम धन्य हो गए हैं, हम धन्य हो गए हैं। जब से मिला है आशियां कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आशियां कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आशियां। यह हमारी खुशनसीबी, यह हमारी खुशनसीबी, यह हमारी खुशनसीबी, हमको मिला है आशियां कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से तेरी मेहरबानियों के, तेरी मेहरबानियों के, तेरी मेहरबानियों के, तेरी मेहरबानियों के, कायल सदा रहेंगे, कायल सदा रहेंगे, तेरी मेहरबानियों के, कायल सदा फर्ज अपना हर पल अदा करेंगे, जीते जी फर्ज अपना हर पल अदा करेंगे, हर कतरा काम आए, हर कतरा काम आए, तेरे करम में आशियां कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आशियां कोई ख्वाहिश हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है कोई।
चर्चा तेरी करेंगे, चर्चा तेरी करेंगे, तो चर्चा तेरी करेंगे, चर्चा तेरी करेंगे। इस जग के लोग सारे, इस जग के लोग सारे तेरी आरजू करेंगे, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी।
हमारी खुश नसीबी हमको मिला है सभी साथियों का वेलकम आज के इस स्पेशल सेशन जो बिजनेस ग्रोथ का सेशन है। तो अपने आप के लिए एक बार जोरदार जहां भी हम बैठे एक डिजिटल और फिजिकल क्लिपिंग करेंगे अपने लिए, क्योंकि आज बहुत अलग कुछ होने वाला है। क्योंकि आज हमारे बीच में बंगाल टाइगर श्रीमान संजीव गोयनका जी सर हमारे बीच में रहेंगे, और सर के लिए एक बार जोरदार ताली क्लिपिंग के साथ में बहुत शानदार। और दूसरा हमारे बीच में आज हिंदुस्तान की फर्स्ट पिन जिन्हें हम आइडियल मानते हैं, एक उदाहरण पेश करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, जिन्होंने मतलब सेकंड जनरेशन के रूप में आज हमारे बीच में एक शानदार पर्सनालिटी, मैं मानता हूं उनको, अपने आप को मतलब भाग्यशाली हूं मैं आज सर के सेशन में मैं शामिल हूँ। रवि ओपी शर्मा जी के लिए बार जोरदार ताली हो जाए सर, वेलकम सर के लिए भी। और आज जितने भी सम्मानीय कोर लीडर आज इस सेशन में हैं और रिस्पेक्टेड सर सबको मैं नमस्कार, जेआरसीएफ आज सबका वेलकम है। आज रियल में कुछ अलग होने वाला है। जितने भी साथी, जूम सेशन फुल हो चुका है, अभी हमारे पास में 4 मिनट का टाइम है, और यूट्यूब पे भी हजारों की संख्या हो चुकी है और संख्या लगातार बढ़ रही है। और जितने भी साथी आ चुके हैं और उनके साथी अगर छूट गए हैं तो कृपया मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपने अपने साथियों को आज YouTube पे अभी बुला लें, क्योंकि आज रियल में कुछ अलग होने वाला है। और अलग जब भी हमारे को महसूस होगा, जब जो भी चीजें यहाँ से बताई जाएगी एक एक पॉइंट अगर हम नोट करेंगे, अगर हमारे पास में पेन और डायरी अगर रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण सर हम हमेशा बोलते हैं कि अगर हम इस प्रोग्राम में आ गए हैं तो सबसे पहली चीज है ध्यान पूर्वक हमें सुनना है, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा वक्ता बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है। तो हमें सबसे पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना, सीखना ज्यादा है, ताकि हम और आगे सिखाने में कामयाब हो सकते हैं। और जितने भी साथी यहाँ आए हैं तो वो कृपया अपना वीडियो जरूर ऑन रखें, क्योंकि वीडियो जब ऑन होता है तो हम एक अलर्ट मोड में रहते हैं, क्योंकि एक नेशनल प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म में आपको हिंदुस्तान के लाखों लोग देखेंगे। तो वो चीज आपको जब समझ में आएगी तब उसमें महसूस होगा, क्योंकि जो भी जूम पे हैं वो यूट्यूब पे भी दिख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर हम इस स्थिति में है रियल में हम कुछ सीखने के लिए आए हैं तो अपना वीडियो जरूर ऑन रखें और एक व्यवस्थित जगह पे बैठ जाए। और हमारे जो वेबिनार की एक नियम होते हैं, 2 गज दूरी जगह अगर हम फोन से ज्वाइन है तो हॉरिजेंटल मोड में रखना और 2 गज दूरी रखना, ताकि क्या आपकी जो चेहरा और आपकी बैकग्राउंड एकदम क्लियर दिखे। और अनावश्यक चैट नहीं करना, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बिना मतलब के हमें चैट नहीं करना है, हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। जब हमारे को बोला जाए तब वो चीज एक्टिविटी हमारे को करनी होती है। तो आप सबकी जोरदार तालियां के बीच में आज जितने भी साथी हमारे बीच में आ चुके हैं, और जो भी साथी यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनका भी वेलकम करना चाहेंगे, और साथियों को हम शामिल कर सकते हैं। हमारे पास में 2 मिनट का और टाइम है, क्योंकि मैं उन शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो हमारे हिंदुस्तान के मतलब उस राज्य से आ रहे हैं जहां पे मेरे को वो भाषा समझ में नहीं आती, फिर भी आज वहां जाके लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया और आज मतलब हजार करोड़ों में बिजनेस डेवलप हो चुका है।
लेकिन अगर हम इस सिस्टम में रहेंगे और भावना समझेंगे तो हमारी लैंग्वेज कोई मतलब बाधा नहीं बनती है। कामयाबी में लैंग्वेज कभी भी बाधा नहीं बनती है, अगर हम उस चीज को समझ पाते हैं किस तरीके से, क्योंकि हमारे केरला के लोग हैं, केरला का भी लोग आते हैं, लेकिन वो भाषा हमारी हिंदी और उनकी भाषा में समझ में नहीं आ रहा, फिर भी बिजनेस कई गुना बढ़ रहा है। आज हमारे बीच में जितने भी कोर लीडर बैठे हैं उन सबको वेलकम करते हुए, समय बिल्कुल मेरा हो चुका है, तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आई इनवाइट करना चाहूंगा संजीव गोयनका सर, प्लीज वेलकम सर, आप आइए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और आज यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे साथी जूम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, हमारे नए साथी, हमारे वाइट पिन अचीवर्स, हमारे रॉयल्टी अचीवर्स, हमारे टेक्निकल अचीवर्स, सभी को मेरा जय आरसीएम और बहुत बड़ा नमस्कार, धन्यवाद। और आज हमारे बीच में हमारे सीनियर कोर लीडर्स मौजूद हैं, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस में जिन्होंने फाउंडेशन रखी और पूरे राज्य में, हर स्टेट में, पूरे भारत में बिजनेस को डेवलप किया, उन सभी को मेरा नमस्कार और जय आरसीएम। और आज मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे जो है बोलने का मौका मिल रहा है हम सब लोग के आदर्श, हम सब लोग के लिविंग गॉड आदरणीय त्रिलोक चंद्री छाबड़ा जी के बीच में। और वो जब मौजूद होते हैं तो मैं थोड़ा बहुत तो नर्वस हो ही जाता हूँ लेकिन एक मिनट, ये मेरा इसको कीजिए, क्या नाम है, जी सर। स्पॉटलाइट मुझे कीजिए, स्पॉटलाइट। हाँ सर बिल्कुल, नहीं आप ही हैं सर। ओके, एक मिनट। यस यस, तो आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मेरी शुभकामना है कि आज वह मैं जो उनका मेन मकसद है कि किस तरह से हम बढ़ते क्रम में हर महीने बिजनेस को ग्रो कर सके, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा और उम्मीद है कि मैं उसमें अपने आप को साबित करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे बड़ी बात जो है कि बिजनेस में, हमारे बिजनेस में लाखों करोड़ लोग शामिल होते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि कौन ग्रो कर रहा है, कौन लगातार ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है बिजनेस में, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आरसीएम बिजनेस जो है वो दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, सबसे आसान बिजनेस, द इजिएस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। लेकिन इस बिजनेस की थ्योरी ये है कि ये जितना आसान बिजनेस है और जितने आसान तरीके से इस बिजनेस को आप करेंगे तब आप लगातार ग्रोथ करेंगे, और जितना इसको कठिन तरीकों से करेंगे, इस बिजनेस में आपके लिए ये आसान बिजनेस इतना कठिन हो जाएगा कि इसमें ग्रो करना आपके लिए असंभव हो जाएगा। और आरसीएम बिजनेस में हर व्यक्ति जो है चाहता है कि ना कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा बिजनेस करना, कुछ बड़ी पिन हासिल करना, कुछ बड़ी इनकम हासिल करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरसीएम बिजनेस में आपको बड़ा कुछ भी नहीं करना बड़ा कुछ करना ही नहीं है, जितना बड़ा करने की कोशिश में जाओगे आप, ये बिजनेस आपके लिए उतना ही कठिन हो जाएगा। ये बिजनेस में आपको बड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटे छोटे काम को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में, बहुत अच्छी तरीके से उसको पूरा महत्व देके करना है। आज हम लोग कोर लीडर्स हैं, हम लोग का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, लेकिन विश्वास कीजिए हम लोगों ने कोई बड़ा काम कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने हमेशा छोटे छोटे कामों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है और उसी छोटे छोटे काम को करते हुए आज इतना बड़ा एम्पायर बन गया है। तो इसलिए अगर आपको ग्रोथ करना है तो बड़ा करने का सोच छोड़ दीजिए, बड़ा कुछ नहीं करना है, कठिन करने का सोच छोड़ दीजिए, आसान तरीका अपनाइए, आसान काम कीजिए, और आसानी से आप कब ग्रो करके इतना बड़ा आपका बिजनेस हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं स्टार भी हो गया, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसका कभी टेंशन और प्रेशर कभी लिया नहीं। तो वो कौन से तरीके हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए,
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ये बात में इतना दम है, अगर इस बात की गहराई में आप जाएंगे तो आपको सारे ग्रोथ के रास्ते नजर आ जाएंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। लोग जो हैं धर्म ज्यादा करते हैं, कर्म कम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुम कर्म करोगे, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो, अगर तुम लगातार कर्म करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ परछाई की तरह चलूंगा और तुमको ऐसा फल मिलेगा कि जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन लोग जो है, ज्यादातर लोग धर्म करने के चक्कर में ज्यादा फंस जाते हैं और कर्म से अपना फोकस हटा देते हैं। और पूरा खेल क्या है? ग्रोथ का, कर्म का है। ये देखिए, टाइम इज ब्लू, समय क्या है? पैसा है। अगर आप अपने समय को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कभी ग्रो कर ही नहीं सकते। और जो व्यक्ति अपने समय की इंपॉर्टेंस को समझेगा, समय की वैल्यू को समझेगा, टाइम की वैल्यू को समझेगा और उसको पैसे में कन्वर्ट करेगा, वो ग्रो करेगा। एवरी डे ग्रो करेगा, हर महीने ग्रो करेगा, हर साल ग्रो करेगा। और ज्यादातर लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, उसको पैसे में, मनी में कन्वर्ट नहीं करते। और अगर आपको अपना समय को पैसे में कन्वर्ट करना है आरसी बिजनेस में, तो उसका एकमात्र तरीका है, वन एंड ओनली, वो है आप नॉलेज 10% लीजिए और एक्शन 90% लीजिए। नॉलेज आपको ज्यादा नहीं चाहिए कामयाबी के लिए, बड़ा करने के लिए नॉलेज ज्यादा चाहिए नहीं। नॉलेज ओनली 10%, एक्शन 90%। लोग उल्टा कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं 90%, एक्शन कर रहे हैं 10%। और अभी सोशल मीडिया के जमाने में जहां पर फेसबुक, यूट्यूब, जूम मीटिंग्स, इतना भरमार हो गया ज्ञान का कि लोग ज्ञान भर भर के अपना हार्ड डिस्क फुल कर रहे हैं। 90% नॉलेज ले रहे हैं, 10% एक्शन कर रहे हैं। तो क्या होगा? आपका समय पैसों में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने नॉलेज को मात्र 10% और उस पर एक्शन 90% करना चालू करेंगे तो आपका समय से पैसा निकलना चालू हो गया ना। टाइम इज मनी, समय से पैसा बरसने लगेगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं? नॉलेज इधर से ले रहे हैं, उधर चेप रहे हैं, पूरा दिन नॉलेज 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 नॉलेज, हार्ड डिस्क फुल हो गया है ना? नहीं चाहिए। मुझे याद है, मैं कभी ज्यादा नॉलेज नहीं लेता, मैं जितना नॉलेज लेता हूं उस पर एक्शन करने की कोशिश करता हूं। मुझे याद है जब हमारा ये लॉन्च हुआ था आरओ वाटर प्यूरिफायर ना, उस समय नॉलेज ज्यादा नहीं था ना, लेकिन मैंने पूरे ना गूगल से और सब जगह से पूरी इंफॉर्मेशन डाली, निकाली ना। उसके बाद उस पर वो एक टेस्टिंग मशीन आती थी, उसको मैंने बाजार से कहीं से अरेंज किया। उसके बाद जो एक्शन चालू किया, एक महीने में 35-40 आरओ बेच दिए। हमारा जमाना अच्छा था, हम लोग कामयाब इसलिए हो गए क्योंकि हमारे जमाने में न फेसबुक था, न यूट्यूब था, न जूम था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए हमारा फोकस टोटल एक्शन पे होता था। सुबह शाम तक एक्शन 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 एक्शन, क्योंकि नॉलेज का ज्यादा स्कोप ही नहीं था और इसीलिए बड़ी कामयाबी आ गई। लेकिन आज सोशल मीडिया में लोग नॉलेज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नहीं चाहिए इतना नॉलेज। और दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ग्रोथ को सबसे हाइट पे लेके जाएगा, वो है फोकस ऑन टीवी, ओनली टीवी। आपको नॉलेज उसी चीज का लेना है जिससे टीवी बढ़े, ओनली परचेज वैल्यू। टीवी है सुप्रीम पावर, टीवी है हमारा भगवान, टीवी पूरी ऊर्जा यहां पर रखनी चाहिए। आपको सुबह से शाम तक दिन रात दिमाग में एक ही चीज घूमनी चाहिए कि आज टीवी कहां से आएगा, कहां से मैं टीवी लेके आऊं। नींद नहीं आनी चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, आज कहां से टीवी लेके आऊं, कैसे टीवी करूं,
सुबह से शाम तक ये कीड़ा आपको काट लेना चाहिए था, मुझे ये कीड़ा शुरू से कटाओ ना। मुझे याद है अभी पिछले साल मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, 12 दिन का शोक था। एक दो दिन तो ठीक सब लोग शोक में थे, लोग आना जाना चालू हो गए, 12 दिन का शोक चलता है, बहुत लोग आते हैं, फैमिली बड़ी है, बहुत लोग आ रहे थे। लेकिन दूसरे तीसरे दिन से मेरे दिमाग में टीवी का कीड़ा काट लिया। अब जो भी लोग मिलने आ रहे थे मुझे उसमें टीवी दिखाई दे रहा था। सोचिए, और उस 12 दिन के अंतराल में मैंने करीबन 80-90 हजार का माल बेचा है। लोग पूछते थे, थोड़ा बहुत अपना कंसोलेशन सांत्वना जताते थे पिताजी के बारे में, फिर धीरे धीरे बातचीत होती थी, कैसे हैं, क्या है। मैं धीरे धीरे घुमा फिरा कर उनको आर्टिसन प्रोडक्ट पेल के आ गया। बहुत सारे कुर्ते बेचे, बहुत सारे आपको कॉस्मेटिक्स बेचे, कितने सारे बेडशीट बेचे, कितने सारे आर्टिसन प्रोडक्ट बेचे, टीवी। किसी भी परिस्थिति में आपके दिमाग में एक ही चीज घूमनी चाहिए, टीवी 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 टीवी, कहां से लेके आए। और वही आपको रोज ग्रोथ पे लेके आएगा, एवरी डे। और टीवी ही आपके पास जितना नॉलेज है, जितना एक्शन है, वो कहां शक्ति कहां लगनी चाहिए, वो आपकी जैसे सूर्य, सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह हैं वो घूमते हैं, जितने ग्रह चारों ओर घूमते हैं उसके, है ना। उसी तरह आपका जो सेंटर ऑफ पॉइंट होना चाहिए वो है आपका नॉलेज, आपकी ऊर्जा, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, सब कुछ, आपका एक्शन, सिर्फ इस शुड रिवॉल्व अराउंड ओनली टीवी। उसके चारों तरफ घूमना चाहिए पूरा दिन। जैसे याद रखें, टीवी इज अ सुप्रीम पावर, टीवी है जो हमें लगातार ग्रोथ कर सकता है। इसलिए टीवी सुबह उठें तो सबसे पहले आपके चारों तरफ ये घूमना चाहिए, टीवी के अंदर आपकी सारी शक्तियां, आपके पास जो भी एक्शन है, जो भी नॉलेज है, जो भी समय है, वो सिर्फ इन्वेस्ट ऑन टीवी। तो टीवी ही हमारा सुबह उठते ही भगवान को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, जिसको भी मानते हैं याद कीजिए, लेकिन अपने मंदिर या कहीं पर भी टीवी का भी फोटो लगा लीजिए और रोज सुबह उठते इसकी पूजा कीजिए। हे टीवी, आज मुझे इतनी शक्ति दे, इतना मुझे पावर दे कि मैं पूरे दिन में आज 10,000, 20,000, 5,000 भी लेके आ सकूं। पूजा कीजिए। और अगर इस टीवी को अगर आपने इग्नोर कर दिया, मालूम पड़ा नॉलेज लिए जा रहे पूरे दिन 90%, मालूम क्या होगा, ये होगा टीवी का राम कौन सकते हो। मालूम हम क्या हाथ में रहेगा, हाथ में रह जाएगा केवल नॉलेज, टीवी गया। इसलिए याद रखिए, टीवी हमारी पावर है, वही कर्म है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सिर्फ इंसान जो पूरे दिन कर्म करता है वही सच्चा धर्म है, वही सच्ची भक्ति है। इसलिए टीवी, आप देखिए दो तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं आप। एक ग्रोथ है, जैसे आप देखिए, अगर आप बैंक में एफडी करते हैं पैसा 1,00,000 रुपया, तो 6% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। पूरे साल में आपको कितना रुपया मिलेगा, 6,000 रुपया, यानी पैसा डबल होने में करीबन 9 साल 10 साल लग जाएंगे। 10 साल बाद 9 साल बाद पैसा डबल होगा। और बहुत सारे लोग इसी एफडी की रेट पर ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ ये भी है, लेकिन देखिए अगर इस रेट पर हम ग्रोथ करेंगे तो हाल क्या होगा। ये देखिए, बहुत सारे लोग ग्रोथ कर रहे हैं, कितने पूरे साल में 500,000 रुपया का ग्रोथ, एफडी की रेट में, इंटरेस्ट रेट में ग्रोथ कर रहे हैं। तो मालूम है रॉयल्टी कब आएगी, 2022 में कुछ शुरुआत करेगा, रॉयल्टी आएगी 2033 में, 10-11 साल बाद। कामयाबी आते आते बुरा हो जाएगा, पता चला जेआरसी गया। लेकिन अगर हमारा बिजनेस जो है वो
ऐड करने का बिजनेस नहीं है, प्लस करने का बिजनेस नहीं है, मल्टीप्लाई करने का बिजनेस है। और राशि में वो ताकत है, वो पावर है कि जिससे हम अपने बिजनेस को हर महीने लगातार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली ग्रोथ को देखें, आप सिर्फ एक रूल बना ले कम से कम में कि मुझे हर क्वार्टर में एक पिन चेंज करनी है, एवरी क्वार्टर, है ना। तो देखिए, अगर एवरी क्वार्टर आप पिन चेंज करते हैं, तो अगर आप 2000 में बिजनेस ज्वाइन किए तो दिसंबर तक आपका ईगल पिन होगा, यानी 500 रुपए से आप 3000 तक की इनकम में आ जाएंगे, और 20000 के बिजनेस से आप 1-15 पे आ जाएंगे, यानी ग्रोथ ऑलमोस्ट 500%, है ना। और वही 2023 आते आते दिसंबर तक अगले साल क्वार्टरली ग्रोथ, ओनली क्वार्टरली पिन चेंज करनी है, आप 2 साल के अंदर रॉयल्टी अचीवर होंगे 20000 की इनकम, यानी 500 से 20000 तक पहुंचेंगे। और 2024 आते आते आप दिसंबर में आपकी 3 हो की स्टार पर, सिर्फ एक ही रूल हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक दिन चेंज करनी है, इतना स्लो। तो इससे क्या हुआ, देखिए इसको बोलते हैं ग्रोथ, मल्टीप्लाइंग ग्रोथ। आप देखेंगे 2022 में आपने 600% ग्रोथ किया, 2023 में 400%, 2024 में 400% ग्रोथ होती है। बिजनेस 1,15,000 से पिछले साल के मुकाबले में 2 साल में 21 लाख तक पहुंच सकता है, सिंपल। अब इसके लिए हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है कि ग्रोथ कैसे आएगी, मूल सिद्धांत वो है राम राम, सिंपल है, बड़ा ही सिंपल आसान तरीका, करना है और करना करवाना, करना करवाना, है ना, और घटना और बस। अब आपको रोज ये समझना है कि आज मुझे कितना पीवी करना है और कितना पीवी करवाना है, आज मुझे कितना बिजनेस बढ़ाना है अपने दम पर और कितना बिजनेस टीम के माध्यम से बढ़ाना है, बस रोज एवरी डे। तो आप ग्रोथ के मोड में आ जाओगे ना, करना है और करवाना है। तो अब देखिए क्या क्या करना है, करवाना है। आपके हाथ में 5 ट्रम्प कार्ड, हाँ त्रुप के हैं आपके हाथ में, जो सिर्फ आपके हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में। पहला पहला कार्ड है आपको परचेजिंग, है ना। एवरी डे एवरी मंथ आप परचेजिंग की पावर आपके हाथ में है, वो सिर्फ आपके हाथ में है। दूसरा कार्ड है, यानी परचेजिंग करना है और परचेजिंग करवाना है। दूसरा कार्ड है सेलिंग करना, सेलिंग करना है, सेलिंग करवाना है, ये आपके हाथ में कार्ड है। तीसरा ट्रम्प कार्ड आपके हाथ में है, वो कॉन्टैक्ट्स आपके, जिसके माध्यम से आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, ज्वाइनिंग करना है और टीम के माध्यम से ज्वाइनिंग करवाना है। पांचवा कार्ड वो है लर्निंग, लर्निंग सिर्फ आपके हाथ में ना, कोई आपको जबरदस्ती सिखा नहीं सकता, वो सिर्फ आपके पास पावर है ज्वाइनिंग लर्निंग करने की, वो आपके पास में अभी भंडार है लर्निंग के लिए, हमारे जमाने में नहीं था, अभी सब कुछ पूरा भंडार है। एवरी डे आपको लर्निंग के इतने सारे मौके मिल रहे हैं, इतने सारे सोर्सेज मिल रहे हैं। पांचवा कार्ड आपके हाथ में है वो टीचिंग का, यानी जो आप सीखते हैं वो अपनी टीम में सिखाने का, वो पूरा ट्रांसफर करने का। ये 5 कार्ड का इस्तेमाल अगर आपने किया तो आपकी ग्रोथ एवरी डे एवरी मंथ एवरी वीक को रोक नहीं सकता, और यही 5 कार्ड आपको बनाएंगे नंबर 1 किंग बना देंगे, राजा बना दूंगा आपको इस बिजनेस का। और यही वो छोटे छोटे काम है जो आपको राजा बनाते हैं, बड़ा तो कुछ करना ही नहीं है बड़ा कुछ नहीं करना है, बड़ा करने के चक्कर में जाना ही नहीं है। और अब देखिए आप ये पावर आपके हाथ में, क्या क्या पावर है। पहला है 30 दिन आपके हाथ में, ये सिर्फ आपके हाथ में, कोई आपको छीन सकता है इसे, आपसे कोई नहीं छीन सकता 30 दिन, ये आपकी मुट्ठी में है हर महीने। दूसरा आप खुद हैं, आपकी ताकत है, आपकी पावर, आपका समय, आपका नॉलेज, ये आपकी पावर है, वो आपके कब्जे में है, कोई नहीं छीन सकता उसको। तीसरा होम मीटिंग स्किल आपके हाथ में है, है ना। चौथा प्लान सो स्किल, ये आपकी पावर है। हेलो हो गया आपका, हो गया ना, बस 5 1 मिनट। रिटेलिंग के पावर स्किल और
फॉलोअप की स्किल, ये सारी ताकत आपके हाथ के अंदर है जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, और इसी पावर का इस्तेमाल आपको करना है। आप एक बार अपने सामने जाइए, मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर देखिए अपने आप को, अपने आप से बात कीजिए, क्या आपके पास समय है या नहीं है, पूछिए अपने आप से, आपको पता लगेगा कि यस मेरे पास समय है। क्या आपको होम मीटिंग करना आता है या नहीं आता है, आपको आंसर मिलेगा यस मुझे आता है। क्या आपको प्लान शो करना आता कि नहीं आता है, आंसर मिलेगा यस आता है। क्या आपको रिटेलिंग करना आता कि नहीं आता है, मिलेगा यस। क्या आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है कि नहीं है, उत्तर मिलेगा यस। क्या आप फोन में लोगों से बात नहीं कर सकते, उत्तर मिलेगा यस कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि करते कितना है, रोज हम कितना प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोगों से बात कर रहे हैं, कितने लोगों की होम मीटिंग कर रहे हैं, कितने हेल्थ कैंप कर रहे हैं। पूरा खेल वहां पर है, पूरी ग्रोथ वहां पर है, और उसी ग्रोथ को, और इसीलिए केवल नॉलेज इकट्ठा करने से ग्रोथ नहीं आएगी, जो हमें मिला है उस ग्रोथ को। एक बार मीटिंग लॉक कर दीजिए, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। सो अब और पावर आपके हाथ में, जो आपकी ग्रोथ सिर्फ आपके हाथ में। ये देखिए, किस दिन आपके हाथ में है, आप खुद हैं, आपके एक्टिव एसोसिएट बायर्स आपकी पावर है, वो आपकी मुट्ठी में है। एक्टिव लीडर्स आपकी मुट्ठी में है, वो आपके हाथ में। आपके पास ऑफर्स और टारगेट है बहुत सारे, हमारे चलते रहते हैं, वो आपके हाथ में। आपके अंदर सपोर्ट आपके सारी ताकतें आपके। सवाल ये उठता है कि हम उसका यूज कितना कर रहे हैं, और यही पावर आपको आगे लेके जाएगी। देखिए आपको कितने टाइम काम करना है, सिंपल देखिए। आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, अभी मैं जो दिखाने वाला हूं, सोचिए आज से मैं कितना कम काम करने से कितना बड़ा आप कर सकते हैं। छोटा बड़ा कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए आप, पहला, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। घंटे कितने होते हैं, 8760 घंटे होते हैं, है ना। और रोज आपको आरसीएम में 99% लोग जो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, तो क्या वो 2 घंटे 3 घंटे दे सकते हैं, 2 घंटे पार्ट टाइम के हिसाब से भी आप काम करते हैं तो 2 घंटे आपको रोज देने हैं, है ना। और आपको पूरे साल में इसको काउंट करें हम, तो मात्र आपको 30 दिन पूरे साल में काम करने हैं टुकड़ों में, ओनली 30 डेज, 12 महीने में 365 दिन में। और घंटे कितने, 730 घंटे आपको काम करने, ओनली आउट ऑफ 867 आवर्स। सोच, इतना कम काम करके आप इतना बड़ा बिजनेस आरसीएम में आप कर सकते हैं। अब उतना भी अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं आएगी। अगर ग्रोथ को करना है तो ये जो समय आपके पास में है उसको पूरा उपयोग में करना है। देखिए आपके, आपको क्या है, कैसे आपका लगातार ग्रोथ आएगा, आपको मल्टीप्लाई वाले पॉइंट्स पकड़ने, उन चीजों को पकड़नी है, उन रियल पॉइंट्स को पकड़ने हैं। पहला है जीरो बीवी परचेजर। जो लोग आपका जीरो बीवी परचेजर है उनको आप फोन कीजिए, क्योंकि वहां से बीवी नहीं आ रहा है, वहां से पीवी नहीं आ रहा है। तो हमें उन लोगों को फोन करना है, उन लोगों को फॉलोअप करना है जिनका परचेजिंग जीरो है। तो क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति जीरो है, अगर आप उसको एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति अगर 500,000 पीवी नहीं भी आता है तो आपका बिजनेस 500,000 गुना बढ़ा, वो मल्टीप्लाई पॉइंट है। इसलिए आपको जो रोज कॉल करने हैं किसको करने हैं, जीरो पीवी परचेज। दूसरा कौन है, न्यूट्री चार्ज नॉन जो परचेज नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको फोन कीजिए। तो अगर वो न्यूट्री चार्ज परचेजिंग चालू करता है तो 500 भी 1000 भी आपको एक्स्ट्रा हर महीने मिलता है, तो वहां आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। 3 नंबर वो है आपको बिलो 1000 पीवी परचेजर जो करते हैं उनको फोन कीजिए, है ना, उनको 5000 पीवी में लेके आइए। अगर नेटवर्किंग नहीं करा तो नेटवर्किंग में लेके आइए, सुपर डायमंड डायमंड क्लब में लेके आइए, है ना, तो बिजनेस आपको 5 गुना बढ़ेगा। इसी तरह से 4 नंबर में आपका जो लोग परचेजिंग हर महीने कर रहे हैं लेकिन नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, टीम नहीं बढ़ा रहे, ऐसे लोगों को फोन कीजिए, उनको फोन कीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको आप सर्विस दीजिए। तो क्या होगा, एक व्यक्ति अगर मान लो 1000 2000 5000 की हर महीने परचेजिंग कर रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हर महीने डायमंड क्लब करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं,
लेकिन उनका कोई पिन नहीं है, बिगिनर पिन भी नहीं। क्यों? क्योंकि खाली वो परचेजिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। अगर उनको नेटवर्किंग मिलाते हैं, अगर वो बिगिनर पिन भी लेता है, तो आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ता है, 4 times ग्रोथ होती है। इसी तरह से आपके पॉइंट है 5 नंबर, वो है जो लोग डायमंड क्लब नहीं कर रहे, रेगुलर परचेजिंग है 1000 2000, लेकिन डायमंड क्लब नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को आप फोन कीजिए, फॉलोअप कीजिए, तो आपका बिजनेस जो है 1000 से सीधा 5000 पे जाएगा। इस ढंग से आपके जितने मल्टीप्लाई पॉइंट हैं, एक्टिव बट नो पिन, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, हजारों लोग मिलेंगे आपकी टीम में जो लोग एक्टिव हैं, एक्टिव परचेजर हैं, लेकिन कोई पिन नहीं है, कोई वाइटल पिन नहीं है। ऐसे लोग को जाइए, उनको फोन कीजिए, बोले सर कैसे हैं आप, जय आर सी एम, मैं देख रहा हूं कि हर महीने आप परचेजिंग करते हैं, है ना, और मैंने आपके लिए टारगेट लिया कि इस बार आपको 1 साल 2 साल में रॉयल्टी तक पहुंचाएंगे, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। आप अपने घर में होम मीटिंग रखिए, अपने लोगों को बुलाइए, वहां पर जितनी रिटेलिंग भी आपकी बढ़ाएंगे और आपकी जो नेटवर्किंग भी बढ़ाएंगे, ना फोन कीजिए, तब जाकर। ऐसे लोग हम लोग फोन किसको करते हैं, जो लोग ऑलरेडी लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं, नो, फोन उन लोगों को करना है जहां से पीवी कम आ रहा है या नहीं आ रहा है या इनसे कई गुना ज्यादा आ सकता है, ऐसे लोग को रोज फोन करना है। और देखिए आप, इसलिए अगर आप शेड्यूल देखेंगे, केवल पार्ट टाइम जो करते हैं, मैं उसके हिसाब से आपको शेड्यूल लिखा देता हूं, क्या शेड्यूल होना चाहिए डेली का, अगर आपको डेली ग्रोथ करना है। ये देखिए, मात्र 2 घंटे का शेड्यूल है, आपको 2 ऐसे लोग को फोन करना है जिनका 0 बीवी परचेजर है, मात्र 2। कितने टाइम लगेंगे? 10 मिनट। 2 ऐसे लोग को फोन करना है जिनको 500 1000 पीवी से 1000 से नीचे परचेजिंग करते हैं, उससे लोग को 2 ऐसे लोग को 10 मिनट लगेंगे। 2 कॉल ऐसे लोग को करना है, पिन अचीवर्स, जो लोग पिन अचीव अभी तक नहीं किया, एक्टिव है लेकिन पिन नहीं है, ऐसे लोग को फोन करना है 10 मिनट। 2 कॉल 0 नीटू चार्ज बीवी परचेजर को करना है। इसी तरह से 2 कॉल ऐसे लोग को करना है जिनको होम मीटिंग के लिए आप टाइम ले सकें, ताकि वहां से आप नेटवर्क को बढ़ाकर अपनी ग्रोथ को कर सकें। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 1 होम मीटिंग करनी है आपको डेली, कितना? 50 मिनट, और 1 रिटेलिंग के लिए 20 मिनट। यानी टोटल आप देखेंगे 2 घंटे में आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सारी ताकत आपके अंदर है, मुझे आप में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, हर व्यक्ति यहाँ पर संपन्न है, आप किसी को बोलिए हर प्रोडक्ट के बारे में जानता है, होम मीटिंग करना जानता है, प्लान दिखाना जानता है, लेकिन कितने लोग को दिखा रहे हैं? पूरा खेल आपकी रॉयल्टी वहां अटकी हुई है, आपका अचीवमेंट वहां पर अटका हुआ है। इसलिए 2 घंटे में आप इतने सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इस घंटे को हम इन्वेस्ट नहीं करके वेस्ट करते हैं, इसीलिए हमारा समय पैसों में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए पावर ऑफ डेली रिटेलिंग, यानी आपको रिटेलिंग करना है 20 मिनट भाई, आधा घंटा। देखिए, अगर आप खुद अकेले रिटेलिंग करते हैं 500 पीवी का पर डे भी, तो महीने का आपका 15000 पीवी होता है। अगर आपकी टीम में ऐसे 5 लोग को आप तैयार करते हैं, तो आपका 75000 पीवी बिजनेस एक्स्ट्रा आना चालू होगा। अगर आपकी टीम में ऐसे 100 लोग हो जाते हैं, तो 1.5 लाख का बिजनेस होगा। इस लिंक से 200 लोगों में 3 लाख, 500 लोगों में 25 लाख, 1000 लोगों में पूरा गेम चेंजर। सोचिए, हमारी पावर है, लेकिन इसको यूज करना। आप देखिए, अगर आप डेली सिर्फ 1 होम मीटिंग करते हैं, ना पावर ऑफ प्लान डेली, अगर आप 1 होम मीटिंग करते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, तो 1 महीने में 30 होम मीटिंग होगी। अगर उसको 6% भी कन्वर्ट किया जाए, तो 30000 का बिजनेस आप लेके आ सकते हैं, ओनली 20% कन्वर्जन में। आपके डाउन में से 5 लोग आपने तैयार कर लिए लीडर, तो उसी से 150 होम मीटिंग्स हो गई, जिसमें आपका मिनिमम कन्वर्जन 20% में 30 नई जोनिंग आ गई, 1.5 लाख का बिजनेस होगा। इसी तरह से 10 लोगों में 3 लाख का बिजनेस, 20 लोगों में 6 लाख का बिजनेस, 50 लोगों में 15 लाख का बिजनेस, 100 लोगों में आपको बिजनेस आ सकता है। आधा भी आए तो क्या खराब है, 15 लाख का, उससे भी आधा कर लो 7.5 लाख का, उससे भी आधा कर लो, रॉयल्टी तो पक्की है। लेकिन सवाल यह है कि 2 घंटे, इसलिए अपना सारा डेली कॉलिंग का पावर देखिए ना। अगर आप मात्र अकेले आप रोज नियम कर ले कि मुझे 10 लोगों को कॉल करना है, तो 1 महीने में आप 300 लोगों को कॉल करेंगे, उसका 20% कन्वर्जन भी आया, तो आप अकेले 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख का बिजनेस उनसे निकाल सकते हैं। करना है करवाना है, करना है करवाना है,
है ना, पूरा खेल इसमें खेलना है ना। इसीलिए पांच ऐसे लोग तैयार हो गए, पांच लोग अगर ऐसे इसमें आपके लोग करने चालू हो गए तो करीबन करीबन 15 लाख का बिजनेस आ सकता है केवल फॉलोअप के माध्यम से। इस ढंग से आप देखेंगे 10 में 30 लाख का, 20 में 60 लाख का, ये सारा गेम चेंजर है केवल लोगों को फॉलोअप करने में, करवाने में और करने में। खेलो गेम चेंजर है, इसका आधा भी आया उसका भी आधा है, इसका अगर 10% भी आ गया तो भी आपका ग्रोथ बहुत बड़ा होगा। इसीलिए याद रखें केवल कंपनी जितनी प्रक्रिया है, ये पूरा चक्का कब घूमेगा आपका ग्रोथ का, जब आप हर चक्के को लिंक करके घुमा देंगे। जो लोग परचेज कर रहे हैं लेकिन नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं उसको घुमा दो, जीरो परचेजर इनएक्टिव है उनको घुमा दो, उनको एक्टिव करवा दें, जो डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं उनको फॉलोअप करके डायमंड क्लब करवाना शुरू कर दीजिए, जो लोग ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं उनको ज्वाइनिंग करवाना शुरू कर दीजिए। इस ढंग से ये सारा चक्का जो है जब आप घुमा देंगे तब आपके पास में आएगी रियल सक्सेस। कब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए आपको सिर्फ क्या करना है, अपने समय का उपयोग, खुद की क्षमता का उपयोग, टीम की क्षमता का उपयोग, सिस्टम की ताकत का उपयोग और टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग करना है। ये पांच आपके पास में जो पावर है अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो ग्रोथ नेचुरली आपकी ग्रोथ आना ना मतलब ग्रोथ आना एकदम कंफर्म हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा और तब आपका बनेगा सबसे बड़ा। पूरे भारत में आपका एम्पायर खड़ा होगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अपनी जितनी अच्छी सेवाएं, अपने अच्छे सर्विसेज और डेली जो छोटे छोटे काम है उनको जितना महत्व देते जाएंगे आपके लिए सक्सेस बहुत आसान हो जाएगी, आसिम बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो मेरा आप लोग को बड़ी कामयाबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसीएम। हमारी एनिवर्सरी आने वाली है 13 नवंबर, बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, वहां पर पूरी टीम के साथ में आइए। हमारे जितने टारगेट्स चल रहे हैं अभी उस पर पूरा फोकस कीजिए, ये आपके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार आज की जो ट्रेनिंग आपकी, ये 2022 की जो एनिवर्सरी है उसमें बहुत कारगर साबित होने वाली है और रेगुलर ग्रोथ में जाएगी सर। तो मैं आगे विलंब ना करते हुए हमारे बीच में जो स्टार डायमंड मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगा, आप सबको साथ में लेते हुए आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ में आई इनवाइट रवि सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ पा रही है धनराज जी? यस सर। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, संजीव गोयनका सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, एक शानदार तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन आप पे रखा, अपनी बातों को रखा और जो लगातार टीसी सर ये अभियान चला रहे हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि समय मेरे पास काफी कम है। दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि काफी हद तक आज जैसा कि संजीव सर ने फोकस किया पीवी के ऊपर और ये सही है, पीवी हमारा बेसिकली हमारे बिजनेस की जान है और कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों बिजनेस का मॉड्यूल चेंज हो चुका है, तरीका बदल चुका है काफी हद तक, एक समय हुआ करता था जब बिजनेस अलग तरीके से हुआ करता था, एक समय आ चुका है कि बिजनेस अलग तरीके से हो रहा है और हमें कहीं ना कहीं पूरी टीम को आपको सबको चीज समझनी पड़ेगी। अगर हमें बिजनेस में बहुत बड़ा रूप लेना है और हमारी टीम में लगातार ग्रोथ आनी चाहिए तो हमें कुछ चीजों को समझना है और जो मैंने अनुभव किया वो ये है, अगर हम आरसीएम बिजनेस के अंदर बड़ा करना चाहते हैं तो पहला काम आरसीएम के प्रोडक्ट को फोकस कीजिए, आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल को फोकस कम कीजिए। अगर आरसीएम के प्रोडक्ट हमने लोगों के घरों में पहुंचा दिए तो रॉयल्टी और टेक्निकल ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। मेरी बात को गौर से सुनना, मेरा खुद का 10 साल का जो अनुभव मुझे ये कहता है कि अगर हमने आरसीएम के प्रोडक्ट्स को लोगों के घरों में पहुंचा दिए, उनको लोगों के बता दिया कि आरसीएम प्रोडक्ट क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, आरसीएम के अंदर हर आदमी इस प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक परचेज करेगा। और ये मैंने पर्सनली अपने लेवल पर किया, मैं जयपुर में हूं, मैं जहां जाता हूं वहां पर सबसे पहले प्रोडक्ट लोगों के सामने रखता हूं, अगर प्रोडक्ट लोगों को समझ में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चलाकर हमारे पास आते हैं और यही सबसे बड़ी चीज है। अगर हर आदमी ने इसके ऊपर फोकस किया
और अपने नीचे मात्र दो लोगों को टारगेट किया, दो लोग से मतलब ए एक में एक बी लेग में, एक ए और एक बी। अपनी हर डाउन लाइन अगर ये प्रॉपरली समझ ले कि मुझे अपनी ए और बी के अंदर दो लोगों को प्रोडक्ट देने हैं और उनको सिखाना है, बिजनेस ऑटोमेटिक ही आपका ऑटो मोड पे आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अनुभव मेरा खुद का पर्सनल इसलिए है क्योंकि मैंने पहले लोगों को रॉयल्टी बताई, टेक्निकल बताया, बहुत कम समझ में आया। और जैसे ही मैंने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाया कि ये हमारा नमकीन है, ये हमारा बिस्किट है, ये हमारा हेल्थ गार्ड है, या ये हमारा साबुन है, लोगों को पसंद आना स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे पसंद आया, लोगों ने खुद ने डिमांड करना स्टार्ट किया। गौर से मेरी बात को समझना, आपका और हमारा सबका जिंदगी में एक ही टारगेट होता है और सब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं सेल के ऊपर। आज बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन सेल कर रहे हैं, अपने आप को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और ये हमें समझना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी चीज है। इंसान रॉयल्टी टेक्निकल बाद में समझेगा, प्रोडक्ट पहले समझेगा। तो प्रोडक्ट हमारा पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम 100% प्रोडक्ट पर फोकस करें, जिसके अच्छे रिजल्ट हैं उसको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को उसके डिस्कस करें, अपनी टीम से डिस्कस करें। और मात्र अपने नीचे हर आदमी अपने दो लोगों को फोकस कर ले, एक आदमी ए और एक आदमी बी में, हर आदमी बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे आज भी याद है कि जब मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया था सन 2000 के अंदर, प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया, लगातार एक प्रोडक्ट हुआ करता था पैंट पीस, उस एक पैंट पीस को दिखा दिखा के उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस किया। एक प्रोडक्ट होने के बाद भी फोकस किस पर किया, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट क्या था, पैंट पीस। पैंट पीस को दिखा दिखा के उन्होंने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया। तो सबसे बड़ी जान क्या थी, प्रोडक्ट था। लोगों को रॉयल्टी बाद में समझ में आई, टेक्निकल बाद में समझ में आया, चीज पहले समझ में आई। और ये आप सब अच्छे से जानते हैं, अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, अगर आप किसी दुकान पर आइसक्रीम खाने गए, आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, आप क्या बोलोगे, एक और दे दो, सही करो गलत करो, हेलो। आप किसी दुकान पर गए, आपने कोई सामान परचेस किया, आपको अच्छा लगा, आप क्या बोलोगे, वापस दे दो। सिमिलर थॉट यहाँ पर काम करता है हम सब लोगों का। अगर हम सब लोग मिलकर प्रोडक्ट को फोकस करें, प्रोडक्ट के ऊपर काम करें और प्रोडक्ट लोगों के घर तक पहुंचा दें, चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, अगर हम सब मिलकर इसके ऊपर अच्छे से प्रयास करें, तो आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते और हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी किया। मेरे को आज भी पता है कि मेरी पूरी कॉलोनी के अंदर जब लोग मेरे से प्रोडक्ट लेके जाते हैं कि यार रवि जी बिस्किट बहुत अच्छे थे, नमकीन बहुत अच्छी थी, वापस से दो, मजा आ रहा है, ऑटोमेटिक वो चीजें उनके दिमाग में समझ में आ गई। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल को थोड़ा सा कम करके आरसीएम के प्रोडक्ट को फोकस करें तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। पहला काम। दूसरा काम, आप सब लोगों को अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के पीछे पड़ना है, ना धोखे कि सर हमें प्रोडक्ट की जानकारी दो, हमें प्रोडक्ट कैसे लोगों तक पहुंचाना है उसकी नॉलेज दो, हम किस तरीके से टीम में काम कर सकते हैं उसके बारे में बताइए, लगातार हम अपने बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताइए, मीटिंग और सेमिनार अपने स्तर पे, अपने लेवल पे हमें करवानी पड़ेगी अपने घर पे, जिससे कि हमारी टीम बहुत बड़ी हो। मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलायंस से सीखना सीखिए, जितना ज्यादा हो सकता है मीटिंग और सेमिनार करना सीखिए, इससे आपका बिजनेस बहुत बड़ा रूप लेगा, आपका बिजनेस एक नए मुकाम पे आगे खड़ा होगा। लेकिन तब होगा जब आप सभी लोग मिलके, हम सभी लोग मिलके इस पर फोकस करेंगे, अदरवाइज ये बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों सेलिंग का एक ही मोड है और वो है प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना। फर्क ही नहीं पड़ता प्रोडक्ट कितने हैं, दो हैं, पांच हैं, दस हैं, नहीं, जितने भी हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हमारे पास पांच हो, दस हो, पंद्रह हो, बीस हो, लेकिन आप जिस प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि आप किसी के सामने रखें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब किसी इंसान को प्रोडक्ट देता हूं, चाहे वो बिस्किट हो चाहे नमकीन हो, सबसे पहला मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है, मेरा आई बोलता है, मेरा क्यू बोलता है, मेरा मतलब मेरी तरीका बोलता है, जब प्रोडक्ट लेकर जाता है उसका प्रोडक्ट बोलता है। तो प्रोडक्ट्स को हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर ये हम सब लोगों ने फोकस कर लिया तो दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा आरसीएम के अंदर, जो आप सपने देखते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी, हमें आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट को फोकस करना है, 100% प्रोडक्ट की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना है। आपके पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप कितनी नॉलेज ले पाते हैं, लोगों तक फोकस कर पाते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना है। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, लेकिन जितनी क्वांटिटी आपके पास है, जितना आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, जितने रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। और रिजल्ट पे अगर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज ऐसे ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फुट क्रीम कमाल का प्रोडक्ट है,
एक नंबर प्रोडक्ट है। फूड क्रीम के बारे में हम लोग बहुत जानते कम जानते हैं, लेकिन मैंने जिस जिसको दिया लोग मेरे पास चलकर है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हमारे पास है, की सोल के प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कमाल के प्रोडक्ट है, रिजल्ट ऐसे अनबिलीवेबल, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके सामने बात खा रही है, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा तरीका क्या है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, दो काम करने हैं, पहला काम प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना, और दूसरा अपने नीचे ए और बी दोनों टीम के दो लोगों पे अगर हर आदमी प्रॉपर तरीके से फोकस कर ले और प्रोडक्ट की जानकारी दे दे, बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो सबको करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल आदमी से नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ भी आएगी, हम आगे भी बढ़ पाएंगे और हम लोगों तक पहुंच भी पाएंगे। इसलिए मैं सबसे यही कहता हूं फ्रेंड्स, RCM की रॉयल्टी और टेक्निकल और प्लान को दिखाना थोड़ा सा कम करें और प्रोडक्ट्स का फोकस ज्यादा करें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, समझा देता हूं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर देता हूं, रॉयल्टी और टेक्निकल को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कम करें, प्रोडक्ट्स को ज्यादा करें। जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप अपने पूरे परिवार, रिश्तेदार, फैमिली, अड़ोस पड़ोस में पहुंचाओगे, ऑटोमेटिक सब आएगा, और आएगा 100% आएगा। मुझे आज भी याद है सन 2000 में मेरे फादर ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, उन्होंने कभी भी रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं पहुंचाया, RCM का प्रोडक्ट पहुंचाया, और जिसका रिजल्ट आज आपके सामने। और मैं भी यही काम करता हूं, हमेशा एट ए टाइम 1,00,000 रुपए का सामान मेरे घर पर रहता है, कारण पता नहीं कोई क्या क्या मांग ले। तो हमें क्या करना है, हमें इस बिजनेस के अंदर अगर बड़ा बनना है तो सब लोगों को जितने प्रोडक्ट्स हैं अपने घर में रखना जरूरी है। नोट करना मेरी बात, प्रोडक्ट्स आपके पास अगर अवेलेबल हैं आप बहुत बड़ा कर जाओगे, लेकिन प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप कितनी भी ताकत लगा लो आप बड़ा नहीं कर सकते। कारण जो दिखता है वो बिकता है, जो सामने है वो रिजल्ट देता है। प्रोडक्ट्स का बिस्किट खोल के खिलाओगे समझ में आएगा, नमकीन खोल के खिलाओगे समझ में आएगा, बिस्किट खोल के खिलाओगे समझ में आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ रॉयल्टी और टेक्निकल बताओगे आसानी से समझ में नहीं आएगा। लोगों को RCM से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है RCM से, दिक्कत कहां आ रही है, प्रेजेंटेशन। हम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट का कर नहीं पा रहे, और ये प्रॉब्लम सबका है। अगर हम तरीके से प्रोडक्ट को, कौन सा प्रोडक्ट, हमारे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, तेल हो गया, एक से एक प्रोडक्ट यूनिक है हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको रखने का तरीका हमारे पास यूनिक नहीं है। और वो लगातार हमें सीखना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा, अपनी टीम को बताना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 2 प्रोडक्ट हो, 5 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस प्रोडक्ट पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप काम में ले रहे हो या टीम को सिखा रहे हो, उसका तरीका ढंग से होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन कमाल का होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होना चाहिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएंगे। देखिए दोस्तों, पब्लिक जब चलाकर मांगती है रिजल्ट आ रहे हैं, हम चलाकर देते हैं रिजल्ट नहीं आते। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम चलाकर बार बार दे रहे हैं, नहीं, आप जब तक कॉन्फिडेंस के साथ उनको नहीं पहुंचाओगे रिजल्ट नहीं आने वाले। आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, इस पर आप ढंग से फोकस करें, प्रोडक्ट्स को जितना ज्यादा हो सकता है लोगों तक पहुंचाएं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 10 साल से यही काम किया। आज मेरी पूरी कॉलोनी के अंदर RCM के प्रोडक्ट मांगने के लिए मेरे पास चलाकर लोग आते हैं। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं आप लोगों से, मेरे को आज भी पता है कि मेरे घर के अंदर ये कंडीशन है कि 10 नमकीन के पैकेट दे दीजिए, 20 मेरे को फुटवेयर फूड क्रीम दे दीजिए, हमें तेल दे दीजिए, चलाकर आते हैं। जब इंसान चलाकर आ रहा है, वो क्यों चलाकर आ रहा है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन और आपका प्रोडक्ट का जो आपने उसके सामने रखा वो कमाल का था। और जैसे जैसे प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचाते चले जाओगे, आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। और यही चीज हमें अपनी टीम को सिखानी है। ये हुई पर्सनल लेवल की बात, पर्सनल लेवल के ऊपर हम जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, हमने सेलिंग करी। अब आती है टीम की बात, अगर हर आदमी अपनी टीम में अपने ही लोगों को ये सिखा दे कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ रिजल्ट जो कमाल के आने वाले आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों तेल तिलों से ही निकलता है, और हमारे तिल कौन से है, हमारा सामान, हमारा प्रोडक्ट और जो हमारी जान है। इसको अगर हमने ढंग से लोगों तक पहुंचा दिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल को नहीं तोड़ सकती। दिमाग में बिठा लो आप एक अच्छे से, बिल्कुल सेट कर लो। इसलिए मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, सिंपल सा थॉट है, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाओ, सामान लोगों तक पहुंचाओ, काम भले 5 पर करो पर ढंग से करो, 10 पर करो पर ढंग से करो, तरीके से करो, या तो करो मत, और कर लिया तो तरीके से करो। अगर ये हर इंसान, हर आदमी अपनी टीम को सिखा दे और खुद सीख जाए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आ जाएगा, आप बहुत बड़े ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, बहुत बड़े तरीके से आपका बिजनेस निकल के चला जाएगा। और यही काम मैं नहीं कर रहा, बहुत से लोग कर रहे हैं दोस्तों। आज सेलिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं हो रही है, हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग सेलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग बिजनेस को बेच रहे हैं, और हम कर सकते हैं,
प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर होता है, रॉयल्टी और टेक्निकल के ऊपर। रॉयल्टी आ जाए, टेक्निकल पर आ जाए, हम कैसे पहुंच जाए, नेवर। और ये कुछ समय के लिए होता है। और जिस दिन आपने कि आप इंसान को प्रोडक्ट की क्वालिटी बता दी, उसी क्वालिटी को सिखा दिया, 100% आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाइए, उसकी जानकारी दीजिए, जानकारी लीजिए, और अपनी टीम के अंदर हर आदमी अपनी ए और बी के दो लोगों को पर कॉन्सेंट्रेट करे। हम बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा हो सकता है आरसीएम। हमारी ताकत हमारे हाथ में ही है, हमारी सोच हमारे हाथ के अंदर ही है। हम चाहें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तरीका एक ही है, और वो है हमारा सामान जो प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंच जाए, हमारे प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक चली जाए, उनको खिला के बताइए, उनको समझा के बताइए, 100% बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। कोई तरीका नहीं है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, और वो है सामान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। और जैसा कि अभी संजीव गोयनका सर ने कहा था, पीवी पीवी भी जनरेट होगा, जिंदगी बदलेगी, भगवान भी बन जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो तभी होगा जब हमारे प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रॉपर होंगे। 5,000 कर रहे हो, 6,000 की प्लानिंग करो। मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पर आपको। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, हमने डायमंड क्लब कर लिया, हम क्या सोचते हैं यार डायमंड क्लब हो गया, अब आगे करने की जरूरत नहीं है। उसको बदलिए, उस थॉट को बदलिए। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मैं 5,000 करने लगा बिजनेस वॉल्यूम, सॉरी पीवी हो गया अब तो, उसको मैंने 6,000 किया, 7,000 किया, 8,000 किया, 10,000 किया। आपकी कैपेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन वो तब बढ़ेगी जब आप उसे कॉन्सेंट्रेट करोगे। अगर आप 5,000 पीवी का सामान लेके लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो उसको 6,000 करो अगले महीने, उसके बाद 7,000 करो, 8,000 करो, 10,000 करो, 15,000 करो, 20,000 करो, मंथ, हर महीने के अंदर। अगर आप लोगों ने अपने पीवी को 1,000 के अंदर ग्रोथ देना स्टार्ट सीख गए, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये होगा, हो सकता है, लेकिन सिर्फ हमें समझना पड़ेगा। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मैंने शुरुआत करी 1500 पीवी से, उसके बाद हम आए 5,000 पीवी पे, अब हम कर रहे हैं 6,000 पीवी, हम कर रहे हैं 10,000 पीवी, हम कर रहे हैं 20,000 पीवी। कारण कर रहे हैं, कारण पता लग गया, प्रोडक्ट जाते हैं, सेल होते हैं, हमें क्वालिटी है, हमारे अंदर वो ताकत है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। और ये सबसे बड़ी बात बोली संजीव गोयनका जी ने, आप घुमाकर वापस से उसको आरसीएम पर लेकर आओ। ये बहुत बड़ी बात है जिंदगी के अंदर। एक बात नोट कर लेना, दुनिया के अंदर कोई भी आदमी किसी और की पब्लिसिटी नहीं करता। आप लोगों ने कभी सुना है कि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की पिक्चर की तारीफ कर रहे हैं या पब्लिसिटी कर रहे हैं, या मोदी जी राहुल की तारीफ कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं? नहीं, सब अपनी पब्लिसिटी करते हैं। और आपके पास वो ताकत है कि आपको अपनी खुद की पब्लिसिटी करनी है प्रोडक्ट के रूप में। मेरा भी ये प्रॉब्लम है, मैं सबको घुमा के वापस से आरसीएम पे लेके आता हूँ। हमारा प्रोडक्ट ये है भैया, घर में आ रहे हो, चाय हमारी ये, हमारी अगरबत्ती ये, हमारा प्रोडक्ट ये, आरसीएम के प्रोडक्ट सामने रखते हैं, डिस्प्ले के ऊपर रखते हैं, लेकर जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेट दिमाग कहीं और लगाना ही नहीं है, याद रखना। और दोस्तों प्रैक्टिकली बता देता हूं, अगर इस पर हमने सबने मिलकर फोकस किया, बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा होगा। बाटी जी वो निकल जाएंगे, आप भाई साहब को इनवाइट कर लीजिए। जी 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 बिल्कुल। तो सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं सर को इनवाइट करेंगे, हमारे आदरणीय टीसी सर, प्लीज वेलकम सर, आप आइए। सर मेरी सही आवाज सुन नहीं पा रहे होंगे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? संजीव सर मेरी आवाज में कोई चैलेंज नहीं है ना सर? नहीं नहीं आपकी आवाज सही आ रही है। हाँ तो अगर सर हमारी बात सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर को इनवाइट करेंगे, और अगर सर तब तक नहीं आते हैं तो हमारे बीच में
मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में बलवान सर है, जो आज का सेशन हुआ उसके बारे में सर कुछ बताएंगे। तब तक सर आ रहे हैं, तब तक वेलकम बलवान सर। थैंक यू धनराज भाटी जी। बिजनेस को बढ़ते क्रम में सर संजीव गोयनका जी ने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि हम जिस काम को मुश्किल समझे बैठे हैं वो काम बहुत आसान है। कितने यूनिक और कितने अच्छे तरीके से कि 2 घंटे हम कंटिन्यू दें, लगातार दें, कर्म पे फोकस करें, नॉलेज लें, लेकिन नॉलेज का रोल 10% है और कर्म का रोल 90% है। तो इतने अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से जितने भी जो साथी सुन रहे हैं, मैं ये कहता हूं सर लाजवाब है और बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ते क्रम में बिजनेस आएगा। क्वार्टरली भी 1 पिन को मेंटेन करें, 21 पिने हमारी हैं और उन 21 पिनों में 21 क्वार्टर लगेंगे और 21 दिए जो है कितने होते हैं, 21 मल्टीप्लाई 3 से कर लें आप, 63। तो हर एक पहलू को बड़े यूनिक ढंग से, मार्मिक ढंग से, बड़ा मैं गदगद हो रहा था कि भाई किस तरीके से संजीव गोयनका जी का मैं तहे दिल से अपने पूरे साथियों की ओर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बहुत अच्छे ढंग से, और उनका देखते ही बनता था कि जिस तरीके से उनका जो बोल रहे थे तो उस टाइम मंत्रमुग्ध होकर बड़े अच्छे से समझाया है। और जहां हमारे रवि शर्मा जी की बात है, उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, रियल में हमने एक प्रोडक्ट पे फोकस किया। और मुझे याद है कि जब ADC जींद में खुला तो हमारे पास जगह नहीं थी 4-व्हीलर लगा के, और हमने एक रात में 250 किटें जो है बांट के आए थे रियल में। मतलब हम प्रोडक्ट की गाड़ी वर्क, मतलब ये चीजें हमने बेखूबी की है। और PV पे जो बात की कि PV हमारा सब कुछ है, हम कुछ भी कर लें अगर हमारा PV आएगा तभी हमारा चेक आएगा, हमारा PV आएगा तभी पिन आएगी। और बहुत सारे साथी हैं, शायद मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। और दोनों साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने अच्छे तैयारी के साथ, और ये हमारा सौभाग्य है RCM बिजनेस का कि हमारे पास ऐसी ऐसी यूनिक साथी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आगे हैं, वेलकम सर। जी सर, जय आरसीएम सर, वेलकम। देखिए संजीव जी ने और रवि जी ने तो हमारे लिए बहुत अच्छी, अच्छे से, मतलब एकदम जैसे आईना दिखा दिया, पर उस आईने को देख के और उसको काम में लेना है, क्योंकि मेन उसकी बात का सारी यही है कि नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और उसका सीधा सा तरीका है, जो भी चीजें हम सुनते हैं सीखते हैं उसको संकल्प में तब्दील करना, संकल्प में तब्दील करना कि भी आज जैसे प्रोडक्ट का पॉइंट नोट कर लिया कि मैं प्रतिदिन इतने प्रोडक्ट सेल करूंगा, इतनी टीम को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करूंगा, तो ऐसा एक उसको फिक्स करके और डायरी में नोट कर लो तो वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और संकल्प का मतलब है उसको फिर उतना करना, तो मार्ग बिल्कुल सही है। और सफलता कितनी आसान है, ग्रोथ का बिल्कुल मूल मंत्र में मिल गया है, तो 100 संकल्प सफलता के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आप वो चीजें नोट कर लो। बहुत सारे साथी ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं और हम प्रतिदिन जो भी सीख रहे हैं नोट कर भी करते भी जा रहे हैं कि भाई जिस दिन हम गामा ओरिजिनल सीख रहे हैं तो हम नोट कर रहे हैं कि हमें महीने में 30, 40, 50, 100 गामा ओरिजिनल की सेल करनी है। तो ऐसे संकल्पों में उसको बनाते जाइए, यही तरीका है ग्रोथ का। और आपको अच्छे से अभ्यास करना है तो सुबह की कार्यशाला उसी विषय पर चलती है, उसमें आप आ सकते हैं। 2-3 महीना लगातार आइए तो आपको बहुत सारा, वहाँ पर बहुत सारे साथी नियमित आके और बहुत जबरदस्त उन्होंने अपने आप को बदला है और हर तरह से अपने आप को सक्षम बनाया है, मजेदार बनाया है। तो हम सब लोग भी उसमें आके भी इन चीज़ों को और अच्छी तरह से अभ्यास भी कर सकते हैं। नॉलेज तो होगी लेकिन अगर अभ्यास करना हो
तो आप प्रातःकाल की 6:30 की कार्यशाला में आकर उस अभ्यास को आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा मैं भी नहीं बोलूंगा, बोलने का तो हो गया, करने की बारी है। तो जो भी हमें करना है उसको संकल्पों में कन्वर्ट करना है, जो भी हमें आज बताया गया है। तो आइए हम सब, जितनी भी टाइम तो ज्यादा नहीं है, पर जो भी टाइम है, हम 5 साथी भी बोलेंगे तो बाकी साथियों का आइडिया होएगा कि इस आज का जो हमने सुना है उसको कृत्य में कैसे बदलना है। क्योंकि जब तक एक्शन में नहीं लाएंगे ना, जो आज की बातचीत का पूरा सार है, एक्शन में नहीं लाएंगे जब तक सुनने का कोई लाभ नहीं है। तो एक बार जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। दीपक सर आइए आप। जी सर, मैं संकल्प लेता हूं कि प्रतिदिन 2 लोगों को गामा ओरिजिनल की जानकारी दूंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुमन दीदी आप आइए, सुमन कुमार दीदी। वॉल्यूम बंदी करना है। हाँ दीदी बोलिए। तो मेरी आवाज साफ आ रही है ना आपको? सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली आज मैंने सीखा, जैसे संजीव गोयनका सर ने मेरे को बताया है कि टाइम इज मनी। यदि हम टाइम का सही तरीके से पालन करेंगे तो हम अपनी मंजिलों को छू पाएंगे, और मंजिलों को हम तभी छू पाएंगे जब हम टीवी पर फोकस करेंगे। एक चीज तो ये नोट किया है मैंने, देन जो सर ने बताया है रवि शर्मा ने प्रोडक्ट के बारे में, तो यदि मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो मैं दूसरे लोगों को भी बता पाऊंगी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपके आरसीएम के प्रोडक्ट 2 महीने से पहले यूज कर रही हूँ, तो मेरे को अच्छा लगा, तभी मैंने ये ज्वाइन किया है। और आज मेरे को ये भी खुशी कि मैंने आज दूसरे मेंबर को इसके बारे में बताकर आज अपनी टीम में ज्वाइन किया है। तो मैं यही कह रहा, मैं यही संकल्प लेती हूँ कि मैं हर वीकली में 1 मेंबर को जरूर ज्वाइन कराऊंगी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। सुबीर सर आप आइए। जय सिंधन, आज हमको ये मिला नॉलेज कि कठिन तरीके से बिजनेस को नहीं करना, इजी तरीके से करना, सर जो बताया, और प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करेंगे जब तभी हम लोगों का पीवी आएगा। हम संकल्प लेते हैं हर बार प्रोडक्ट के ऊपर काम करूंगा, हमारा पिन के ऊपर नहीं काम करूंगा, प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। जय सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्येंद्र मिश्रा सर आप आइए। जी सर, जय सीएम, मैं सत्येंद्र मिश्रा वाराणसी से। अभी आदरणीय रवि शर्मा सर ने बताया है कि हमें प्रोडक्ट पे जम करके फोकस करना है, तो हम जम करके फोकस करेंगे सर। प्रोडक्ट के द्वारा ही हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बिजनेस में ला सकते हैं, और हमें इस पे फोकस करना, मैं संकल्प लेता हूँ, प्रोडक्ट बेस पे ही काम करेंगे। जय सिंह सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं हम। वज्ञेंद्र सिंह सर आप आइए। जी सर, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 2 व्यक्ति को गामा ओरिजिनल का और प्रोडक्ट के बारे में डेली जानकारी दूं। धन्यवाद सर। भरत चंद सर आप आइए। जय हर सिंह सर, आज का प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिला सर। हम लोगों को किस तरह से पीबी पे फोकस करना है, और ये जो चीज सर ने बताया, जैसे 0 PB परचेज करने वाले, न्यूटी चार्ज जो परचेज नहीं कर रहे हैं उन पे, जो 100 PB से नीचे कर रहे हैं, और जो नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, और जो डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, और जो एक्टिव नहीं है, उन लोगों को किस तरह से बड़ा बात करके और आगे पीबी इकट्ठा करके आगे बढ़ना चाहिए, और साथ में खुद करना, और टीम में भी 2 लोगों को ये कराना, ये रवि सर ने बताया। अब मैं इसमें संकल्प करता हूँ कि मैं रोज इसमें फॉलो करूंगा। थैंक यू सर। जय सर। थैंक यू सर। पॉइंट पे बात करेंगे। शैलेंद्र सिंह आप आइए सर। आवाज आ रही है सर? जी जी, कंटिन्यू सर। प्रतिदिन काम तो करता हूँ, कॉल लगाता हूँ, मगर अब विधिवत बाय रिटर्न नोट करके किस किस को कॉल किया है, और उन्हें कॉल करने के साथ 2 घंटे का जो रूटीन सर ने दिया है उस पर बराबर काम करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। सुनील पंचाल नाम से दीदी आप आइए। सर, पहले मैं रवि सर का और संजीव सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। हमने अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी,
और सर मैं संकल्प लेती कि जो एक्टिव लोग नहीं है उनको एक्टिव करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे सर, हर महीने ग्रोथ करेंगे और सर लगातार अपने हर प्रोडक्ट पे हम काम करेंगे क्योंकि हमारा हर प्रोडक्ट दमदार है। थैंक यू जय। सविता दीदी आप आइए। सर आज मैं संकल्प लेती हूँ कि अपने प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से लेनी है और मैं अपने रोज एक प्रोडक्ट जरूर अपना आरसीएम का निकालूंगी सर, सबको सलाह दूंगी मतलब अपने आरसीएम का प्रोडक्ट डेली सलाह। सर टाइम भी हो गया है, क्या कंटिन्यू रखूं या फिर? बिल्कुल टाइम हो गया है, तो अगर जिन साथियों ने संकल्प बनाना नहीं सीखा है तो संकल्प बनाना, अपने हर चीज को हर काम को संकल्प में बना के नोट कर लेना है, नहीं तो सुनावा यूं ही चला जाएगा। कुछ साथियों ने बोला है तो उसको उदाहरण से समझ में आ गया होगा, और कुछ ने केवल ऐसे बोला है कि मैं प्रोडक्ट पे फोकस करूंगा, उसमें कोई पता नहीं चल रहा काम का, पर किसी ने बोला कि मैं प्रतिदिन दो गामा ओरिजिनल, वो एक संकल्प हुआ है। ऐसे बहुत सारे संकल्प आप बना सकते हैं कि टीम के बारे में, खुद की सेलिंग के बारे में, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, या ऐसे, तो ये काम बहुत जरूरी है, ये हम प्रतिदिन सीखते रहे तो इसका अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर। यस सर, मैं सिर्फ बहुत कम समय लूंगा। देखिए सर, मैं जींद का उदाहरण एक देता हूं। आरडी सिस्टम होता था, पीयूसी की जगह डिस्प्ले वाल की जगह उसमें 20 किटें आती थी 25,200 रुपए की। जिन साथियों के बेड में, जिन साथियों के घर में, जिन साथियों के अपने ऑफिस में किटें रहती थी, आज वो स्टार रूबी डायमंड वो लोग हैं जिनसे, सफायर वो लोग हैं जिनके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। अभी जिस तरह से संकल्प ले रहे हैं सर, मैं दो गामा ओरिजिनल के साथ हमारे पास चाय नहीं है क्या, स्की सोल के प्रोडक्ट नहीं है? मेरे पास अगर गाड़ी है, मेरे गाड़ी के अंदर पूरे प्रोडक्ट हों, मेरे पास घर में अगर ऑफिस के अंदर है तो ऑफिस में हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट हो। आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों ले रहे हैं? हमने को तो आरसीएम के सारे प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आपको मना करता कि ये आप नहीं दे सकते? पूरे दम के साथ आप लें, ऐसे मरे मन से कि एक प्रोडक्ट दूंगा मैं, एक गामा ओरिजिनल दूंगा, दो दूंगा, संकल्प ऐसा संकल्प लें कि मैं सर करके दिखाऊंगा। लिखने की पढ़ने की बात छोड़िए, आप करके दिखा दीजिए, और वो बोलेगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम बोलेगा। और जिन जिन लोगों ने, मैंने बाजार की बात कही, सर ने सबसे पहले बाजार खोला। आज प्रोडक्ट की बात है, जितनी मेरी गाड़ियां हैं मैं कई बार नहीं रख पाता, लेकिन कंटिन्यू रखूंगा, मेरे ऑफिस के अंदर प्रोडक्ट रखूंगा। मेरे को जो भी मौका मिला, चाय वाले को चाय, गामा ओरिजिनल को गामा ओरिजिनल, कीसोल को कीसोल, हर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कराऊंगा अपने उसमें। और एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा सर मैं अपने लाइफ का, कि मेरे गांव से एक सेठ जी मेरे पास आके बसे, उनको कोई नहीं जानता था। उसने कहा मेरी एक दुकान कराओ, मैंने दुकान के लिए मदद की। उसने कहा मेरे से सामान कौन लेगा? ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने 250 घरों में गया, क्योंकि बच्चों को लगातार पढ़ाता था, मुझे आसपास कॉलोनी में सभी जानते थे। उस व्यक्ति ने एक बात पूछी मेरे साथ जाके, मैंने कहा ये मेरे गांव के हैं, इन्होंने दुकान की है, तीन बेटे आपको सामान यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। मैं दूसरों के लिए जब 250 घरों में जा सकता हूं, और उसके आज कई कारखाने हैं यहाँ पे उस प्रोडक्ट के कारण दूसरों के लिए, और हमारे पास नायक प्रोडक्ट हैं, हम ऐसे दमदार तरीके से अपने सीने को ठोक के ये कहें कि ये प्रोडक्ट आरसीएम के हैं। और मैं दावा करता हूं, एक बार अगर किसी को यूज कर लिए, 100% आप दोबारा अपने आप लेके जाएंगे। तो पूरे दम से बोले सर, ऐसा एक एक उंगली करके, हाथ करके एक प्रोडक्ट को ना पकड़े, पूरा खुल के काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दलवान जी बिल्कुल सही है, पर वो यहाँ पे टाइम के अभाव में उन्होंने एक प्रोडक्ट के लिए बोला है, बाकी ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट पे काम करेंगे। सारी चीजें तो यहाँ नहीं बोल सकते ना, मान लो 100 प्रोडक्ट पे काम करना, तो 100
सर सही है, जोश आ जाता है सर पुराना जो है, ये लगता है कि हम भर भर के यहाँ लात लात के लिए किराए के मजदूर करके एमपी में किट लेके गए सर। बिल्कुल वो जोश आता है तो फिर वो बातें याद आती हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई हमें और जागने की जरूरत है। मैं ये मतलब मेरी भावनाओं को रोक नहीं पाता कहीं। नहीं, इसका तरीका एक ही है, संकल्पों की डायरी बनाना और उसमें लिखते जाना। ये इसको सीखे बिना, ये देखिए धनराज जी डायरी दिखा रहे हैं इनके, आप थोड़ा 5-7 संकल्प पढ़ के दिखाइए ना धनराज जी, कैसे है? जी सर 5 संकल्प पढ़ के दिखा दीजिए बस, बाकी है तो बहुत सारे, टोटल कितने हैं एक बार बता दीजिए, उसमें से 5 पढ़ के बता दीजिए। सर मैं आज तक 61 बने हैं, लेकिन अभी 4 में और संकल्प में अभी लिख दूंगा सर, आज का यानी 65 मेरा संकल्प हो जाएगा सर। 65 संकल्प है जी, 65 में से 5 बता रहे हैं केवल एक बार। हाँ मैं 5 बताऊंगा सर। सबसे पहले तो सर मैं कभी 5000 वॉल्यूम से ज्यादा नहीं कर पाया था, कभी करता था, लेकिन हर महीने में 25000 से ज्यादा सेलिंग कर रहा हूँ मेरी सेल्फ आईडी पे। और ये किए संकल्प, और 100% प्रोडक्ट में पहले भी यूज करता था, आज भी कर रहा हूँ। हर महीने में कम से कम 50 प्रोडक्ट में नए जितने भी आ रहे हैं पीयूसी में, वो सारे में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद में सर मैंने अभी पीक्यूसी ज्वाइन की, उसके अलावा मैंने निर्पे में शामिल हो गया, और निर्पे का जितना टारगेट था मैं क्वालिफाई कर पाया इस संकल्प की वजह से। और हाइजीन कैंप कर रहा हूँ सर हफ्ते में एक दिन, ये मैंने संकल्प में लिख रखा है सर। और दूसरा सर हर महीने में आउट ऑफ स्टेशन में 3 मीटिंग करता हूँ, ये मैंने संकल्प में लिख रखा है। और सुबह शाम की जो सेशन होता है उसमें कम से कम 3-4 दिन में कंटिन्यू रहता हूँ सर, ये मैंने संकल्प में, हो सकता है मैं सब में रहता हूँ लेकिन संकल्प मेरा ये 3 दिन तो मैं कम से कम रहूंगा ही रहूंगा सर। ऐसे सारे संकल्प है, कुछ संकल्प ऐसे है महीने में एक बार ही करने होते हैं, कुछ हफ्ते में एक दिन करना होता है, कुछ रोज के हैं सर, वो लगभग पूरे हो रहे हैं मेरे से। बस ये जीत का बहुत सुपर फंडा है, ऐसे संकल्प बनाने हैं सबको, सबको बनाने हैं कि आपको जो भी करना है उसको संकल्प डायरी में बनाते जाइए आप, और उस पर काम करते जाइए। बहुत इजी, बहुत आसान, और ग्रोथ का एकदम पक्का फॉर्मूला है, और प्रैक्टिकल है, इजी भी है। जो जो संजीव जी ने जो आज बताया वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उस संकल्प के बारे में ही बोल रहे हैं। तो ये सभी साथियों को सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और आपको और अच्छा अभ्यास करना था। मॉर्निंग कार्यशाला में आएंगे 2-3 महीना, तो आपको हर चीज का एक बेहतरीन अभ्यास हो जाएगा, तो आप एकदम पारंगत हो जाएंगे। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।